टिश्यू पेपर बनाने का व्यापार कैसे शुरू करें? टिश्यू पेपर बनाने के व्यापार के लिए आवश्यक लाइसेंस। टिश्यू पेपर व्यवसाय के लिए आवश्यक कच्चा माल। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपके पास कच्चा माल होना चाहिए। कच्चे माल के रूप में बड़ी साइज की जंबो रोल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बड़े बड़े पैकेट में आपके यहाँ तक पहुँचाए जाते हैं। फिर इन्हीं रोल को आपको काट कर अलग अलग शेप और साइज में चेंज किया जाता है। टिश्यू पेपर बनाने की मशीन। टिश्यू पेपर मेकिंग मशीन पूरी तरह से ऑटोमेटिक होती है। इस मशीन को एक बार प्लेन पेपर रोल से जोड़ देने के बाद टिश्यू पेपर बन के ही बाहर आता है। इस मशीन का प्राइस इससे बनने वाले टिश्यू पेपर की साइज के साथ बदलता है। टिश्यू पेपर बनाने के व्यापार के लिए आवश्यक स्थान। इस मशीन को शुरू करने के लिए कम से कम 600 से 700 वर्ग फीट स्थान की जरूरत होती है। मशीन को इंस्टॉल करने के अलावा पैकिंग के लिए भी कम से कम 100 से 200 वर्ग फीट जगह की जरूरत होती है। टिश्यू पेपर बनाने का प्रोसेस। टिश्यू पेपर बहुत आसान तरीके से बनाया जाता है। इसके लिए एक ही मशीन का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले पेपर रोल को मशीन में दिए गए रोलिंग जगह पर सेट करें। यहाँ से पेपर रोल का एक हिस्सा मशीन में लगाया जाएगा। अगर आपको रंगीन टिश्यू पेपर बनाना हो तो आप मशीन में मनपसंद रंग डालकर इससे पेपर को जोड़ सकते हैं। पेपर को किसी तरह का टैग, जैसे किसी होटल और रेस्टोरेंट का नाम आदि देने के लिए इसी कलर पैनल में रबर का टैग लगा सकते हैं। यहाँ से निकालकर पेपर रोल का हिस्सा आगे असेंबलिंग के लिए जाता है। असेंबलिंग के लिए मशीन में असेंबलिंग रोल लगा होता है। असेंबलिंग रोल से गुजरते हुए पेपर रोल एक तरह से ट्रांसपेरेंट, जैसे कि अक्सर टिश्यू पेपर्स होते हैं, हो जाता है। यहाँ से असेंबलिंग के बाद पेपर मशीन के फोल्डिंग सेक्शन में प्रवेश करता है। इस सेक्शन में टिश्यू पेपर पेपर की तरह फोल्ड होकर कटने लगता है। कटिंग के बाद टिश्यू पेपर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। टिश्यू पेपर बन जाने पर इसके पैकिंग पर ज्यादा ध्यान देना होता है। पैकिंग के लिए आप अपने रजिस्टर्ड टैग या ट्रेडमार्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने ट्रेडमार्क छपे प्लास्टिक से पैकेट तैयार करें और हर पैकेट में 50 या 100 टिश्यू पेपर डाल सकते हैं। इनको एक बड़े पैकेट में ऑर्डर के हिसाब से पैक करके भेज दें। निवेश कितना होगा? इस व्यापार को शुरू करने के लिए कुल खर्च लगभग 6 से 7 लाख रुपए का होता है। हालांकि बड़े प्लांट को लगाने के लिए आप और भी ज्यादा पैसा लगाकर इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। इस पैसे में मशीन, रॉ मटेरियल, मशीन के लिए वायरिंग और बाकी चीजों की जरूरत को पूरा किया जाता है। कितना हो सकता है मुनाफा? आपको पता है कि एक दिन का प्रोडक्शन लगभग 1500 पैकेट होता है। यदि हम इसे एक महीने के अनुसार जोड़ें तो कुल 4500 पैकेट का निर्माण किया जाता है। एक पैकेट पर लगभग 5 रुपए मुनाफा कमाया जा सकता है, इसलिए 4500 पैकेट पर कुल मुनाफा लगभग 2 लाख रुपए के ऊपर होगा। आपको अपने यहाँ काम कर रहे कर्मचारियों की सैलरी और मशीन की रिपेयरिंग तथा मशीन में इस्तेमाल होने वाले दूसरी चीजों के खर्चे को निकालने पर 1 लाख रुपए तक का मुनाफा हर महीने हो सकता है। किन किन जरूरी लाइसेंसेस की आवश्यकता होगी? व्यापार का पंजीकरण, ट्रेड लाइसेंस, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से NOC सर्टिफिकेट, फैक्ट्री स्थापना के लिए लाइसेंस, उद्योग आधार MSME पंजीकरण, निर्यात के लिए आपको IEC संख्या निकलवानी होगी। मार्केटिंग कैसे करें? बाजार में टिश्यू पेपर की मांग बहुत ज्यादा है। साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए कई जगहों पर इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। आप अपने बनाए टिश्यू पेपर बाजार में रिटेल और होलसेल में बेच सकते हैं। रिटेल में बेचने के लिए आप सीधे सीधे बड़े होटल, रेस्टोरेंट आदि स्थानों के लिए टिश्यू पेपर बनाने का ऑर्डर ले सकते हैं। रिटेल में आपको कुछ अधिक मुनाफा प्राप्त हो सकता है। होलसेल में बेचने के लिए कई बड़ी दुकानों से संपर्क किया जा सकता है। प्रत्येक वर्ष टिश्यू पेपर की खपत देश भर में लगभग 12% तक बढ़ रही है। इसी वजह से टिश्यू पेपर इंडस्ट्री धीरे धीरे एक बड़ा रूप ले रही है और लोग इस व्यापार को शुरू करके अच्छा खासा लाभ कमा रहे हैं। तो अगर आप भी लाभ उठाना चाहते हैं तो आज ही शुरू करें टिश्यू पेपर मेकिंग बिजनेस। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।